जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास करंट पेपर। बोर्ड मुझे पता नहीं कौन सा है, लेकिन फर्स्ट टाइम का मल्टीपल चॉइस आपके सामने रख रहे हैं। आसान सा जो पेपर आया है, इसको मैंने सॉल्व भी किया है। पानी का एक मालिक्यूल का मास होता है कितना? होता है 18 AMU। ठीक है, एसोटॉप्स सी 12 की मकदार होती है, तो ये आप लोगों ने बताना है सी 12 की मकदार कितनी है। ये 98.9% होती है। ठीक है, सोडियम एटम का साइज़ क्या होता है? 186 होता है। क्लोरीन एटम्स की शेल में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, कितने रखते हैं? 7। सोडियम क्लोराइड जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वो बताने हैं। उसी के बाद पानी का जो है प्रेशर MHg जो होता है वो कितना होता है वो आप लोगों ने बताना है। इसके बाद बॉयलर की मुसावात बतानी है। ठीक है, इसी के बाद आपने जिंक जो है उसके बारे में बताना है, और उसी के बाद आप लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस करनी हैं। और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। ये पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव है, और मे बी ये सही वाला बोर्ड हो। ठीक है, तो ये सारे यानी कि आपको पता है कि ये 19 पेपर आपसे शेयर करेंगे, और सब्जेक्टिव यानी कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स के पेपर जो है आपसे शेयर करेंगे। ये देखें, इसके अंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी देखें, और आपको पता चलेगा क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद तबई खसूसियात की जो हैं, मतलब प्रॉपर्टी बयान करनी और मिसालें देनी हैं। दो कोई से दो एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। उसके बाद एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में, और उसके बाद न्यूट्रॉन की दरियाफ्त कैसे होती है। उसके बाद एसोटॉप्स के बारे में लिखना है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की जो है नेगेटिव की तारीफ़ करनी है। उसके बाद आयन कंपाउंड क्या होते हैं, और एक सिंगलर कोलबर्ट बांड क्या होता है। बॉयलर्स जो है आप लोगों ने इसके बारे में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका सब्जेक्टिव था जो आपसे शेयर कर रहे थे। अब नेक्स्ट चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया, पहला से उठाया, दूसरे से उठाया, और मेरा ख्याल है पाँचवें सातवें से इसी तरह से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये मैं करवा चुका हूँ। लाहौर बोर्ड का मल्टीपल चॉइस आप लोग देख लें जो आपके सामने है। थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, फिर आगे इसके सब्जेक्टिव की तरफ भी चलते हैं। जी ये आपने ऑब्जेक्टिव देखा। जी इसी के बाद फिर हमने ऑब्जेक्टिव शेयर किया। ये लाहौर कोर्ट बोर्ड का है, ये ऑब्जेक्टिव कोई और बोर्ड है, इसको देख लें आप लोग अच्छी तरह से। सारे ही बोर्ड हैं, लेकिन ये है कुछ के ऊपर मैं नाम लिख पाया हूँ, कुछ के ऊपर नहीं लिख पाया। जी इसी के साथ फैसलाबाद बोर्ड का जो है सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन भी आप देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख लें। नेक्स्ट बोर्ड का पेपर आपको दिखा रहे हैं मॉर्निंग टाइम का। जी इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सरगोधा बोर्ड मल्टीपल चॉइस। इसी के बाद नेक्स्ट अच्छा स्क्रीन अगर छोटी नज़र आ रही हो तो आप नीचे जो है एक एंगल सा बना उसको क्लिक करेंगे तो स्क्रीन बड़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी आपको।
उसके बाद मल्टीपल चॉइस देखें, नेक्स्ट पेपर ये देखें 2022 लिखा हुआ है पेपर ए जी। उसके बाद नेक्स्ट सरगोधा बोर्ड सब्जेक्टिव, जी उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड देखें, फैसलाबाद बोर्ड का ऑब्जेक्टिव रह गया था, सब्जेक्टिव मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट पेपर ये किसी के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, किसी के ऊपर नाम नहीं लिखे हुए, इतना टाइम नहीं होता जल्दी जल्दी ये काम करने का। नेक्स्ट पेपर देखें लाहौर बोर्ड का, जी नेक्स्ट पेपर देखें, चल रहा बोलना नहीं, नेक्स्ट मुल्तान बोर्ड का, जिसके बाद नेक्स्ट पेपर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। और इसी तरह के पेपर जो हैं, करंट पेपर अब 9th में हैं, पहले आप 10th में होंगे, उसके भी ऐसे आएंगे, 11th के भी आएंगे, 12th के भी आएंगे। अगर कोई और आपका दोस्त पेपर दे रहा है, अगर वो भी इस तरह से देखना चाहता है तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेपर चलते हैं, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के करंट पेपर ऊपर देख रहे हैं, 9 बोर्ड हैं और 9 बोर्ड के 18 पेपर बनते हैं, तो आपको 19 पेपर दे रहे हैं हम, दो दो पेपर भी लें तो ठीक है। सहीवाल बोर्ड मौजूद है, मल्तान मौजूद है, सरगोधा मौजूद है, पिंडी बोर्ड मौजूद है और इसी के साथ लाहौर बोर्ड मौजूद है, फैसलाबाद बोर्ड मौजूद है और गुजरांवाला बोर्ड इसमें मौजूद है, यानी कि 9 बोर्ड्स के पेपर आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन ये है कि कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब नाम नहीं लिख पाया मैं और जल्दी में ये आगे पीछे जो है आप कहेंगे कि नाम अब नहीं लिखे कौन कौन से बोर्ड हैं, तो बट इसलिए आगे पीछे, लेकिन आप सारे स्टडी कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला सेकंड टाइम वालों को जी। ये लास्ट पेपर था, इस तरह से मैंने दोबारा से गेंद से जल्दी जल्दी दोबारा से कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और आप जो पेपर प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर चुका हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में एक बेल आइकन होगी उसको दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिलती रहे। सरगोधा बोर्ड मल्टीपल चॉइस फैसलाबाद बोर्ड, किसी किसी के ऊपर लिखे हुए हैं, किसी किसी के ऊपर नहीं लिखे, लाहौर बोर्ड, जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, अब आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।